हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे डीसी मोटर के बारे में। तो डीसी मोटर के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि मोटर क्या होता है। तो एक ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, मोटर कहलाती है। या फिर ऐसी मशीन जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, वो मोटर कहलाती है। एक और नाम सुना होगा आपने, जनरेटर। मोटर की बात कर रहे हैं तो जनरेटर के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसी मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, जनरेटर कहलाती है। दोनों बातें समझ लेना है, मोटर और जनरेटर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो कहलाता है मोटर, और मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो जनरेटर। तो मोटर दो प्रकार की होती है सप्लाई के आधार पर। जब हम एसी से ऑपरेट करते हैं जिस मोटर को, वो होती है एसी मोटर, और जिसमें हम डीसी सप्लाई देते हैं वो मोटर कहलाती है डीसी मोटर। तो अभी हमें डीसी मोटर के बारे में पढ़ना है। तो डीसी मोटर के बारे में पढ़ना है तो मैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करना है। कंस्ट्रक्शन वाइज डीसी मशीन, चाहे वो मोटर हो चाहे जनरेटर, सेम होती है। मतलब अगर हम किसी मशीन में बाह फोर्स के द्वारा, बाहरी बल के द्वारा अगर रोटर को घुमाते हैं तो आर्मेचर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो ये मशीन होती है जनरेटर। और अगर आर्मेचर में करंट देते हैं तो रोटर घूमने लगता है, तो ये क्या है, मोटर। तो डीसी मोटर क्या होता है, जब हम आर्मेचर में डीसी सप्लाई देते हैं तो इसका रोटर रोटेट होने लगता है। अब बात करते हैं डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन की, इसकी जो बनावट है वो कैसी होती है। तो इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे तो डीसी मोटर में मेनली चार पार्ट की बात करेंगे। यहाँ पे पहला है फील्ड सिस्टम, आर्मेचर, कम्यूटेटर और ब्रशेस। अब बात करें अगर फील्ड सिस्टम की, तो फील्ड सिस्टम वो है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता इसलिए है ताकि रोटर घूम सके। तो यहाँ पे फील्ड सिस्टम की बात करेंगे तो फील्ड सिस्टम का मेन जो पर्पज है वो ये है कि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बनाए रखता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसकी तीव्रता एक समान रहती है, बराबर रहती है। और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस होना है, जहाँ पे आर्मेचर मूव करता है, आर्मेचर घूमता है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसको हम दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। एक हो सकता है कि परमानेंट मैग्नेट लगा दें, दूसरा हो सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाए। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो आपने करंट की दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक हीटिंग प्रॉपर्टी और एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे और उससे मैग्नेट बनाएंगे। तो जब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट प्रोड्यूस होता है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को ज्यादा प्रिफर किया जाता है क्योंकि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अच्छी होती है। फील्ड सिस्टम को जो है चार भागों में बांट करके हम पढ़ेंगे। वो क्या क्या होंगे, पहला एक बाहरी आवरण होगा जिसको फ्रेम या योक कहते हैं। ये क्या है, जो मोटर में पार्ट्स लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए है। और पोल कोर्स होता है, कोर होते हैं पोल में, जिनकी स्ट्रक्चर आगे दिखाई जाएगी। और पोल शू एक तरह का बेस है। फील्ड कॉयल क्या होता है, पोल में जो कॉयल बाउंड की जाती है, लपेटी जाती है, उसको कहते हैं फील्ड कॉयल। अब देख लेते हैं जरा योक। योक का काम मैंने बताया, योक का जो काम है वो मोटर के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करना है। और दूसरा काम क्या है, योक में ही आर्मेचर को फिक्स किया जाता है, तो ये कह सकते हैं कि इसको आर्मेचर को सपोर्ट देता है। और तीसरा क्या है, मैग्नेटिक पोल्स जो हैं और मैग्नेटिक वाइंड को भी ये अपने अंदर रखता है, उसको सपोर्ट देता है। अब पोल कोर्स और पोल शू, तो कोर आपने पहले भी पढ़ा होगा, ऐसे पतली पतली पट्टी होती है। और पोल शू क्या है, बेस है। तो ये हो गया पोल कोर्स और पोल
सू की। इसमें जो सेटिंग के लिए लगा रहेगा बोल्ट होगा, जिसकी हेल्प से हम इसको योक में बाइंड करके रखते हैं। रिवेट होल्स होंगे, बोल्ट होंगे, ये क्या है, उसको होल्ड करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए ये प्रयोग होता है। फिर फील्ड कॉयल की बात करते हैं। फील्ड कॉयल क्या है, जब पोल बन जाएगा और पोल में जो वाइंडिंग होती है उसको हम फील्ड वाइंडिंग या फील्ड कॉयल कहते हैं। इसी फील्ड वाइंडिंग में जब हम करंट देते हैं तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। इसके बाकी के पार्ट्स के बारे में हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।